स्टूडेंट्स क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हिंदी का रीडर का पेज नंबर 12 करेंगे। देखो बेटा, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण क्या होती है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है, अपनों ने लिख दिया कुछ भी, जैसे एप्पल की स्पेलिंग लिख दी, तो लेकिन हम ए लिखना उसको छोटा नहीं कर सकते ना। इसी तरह हिंदी के अंदर वर्ण जो होते हैं, वर्ण भाषा की वो इकाई होती है जिसको हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको और खंडित नहीं कर सकते। देखो भारतवर्ष, कोई भी जो अक्षर है, कोई भी जो वर्ण है, वो अपने आप में आधा होता है। उसके अंदर जब मात्राएं लगती हैं तब वो पूरा जाकर बनता है, और जिस भाषा के अंदर कोई भी मात्रा नहीं होती, शब्द नहीं होता, वो वर्ण आधा ही रहता है। वर्ण को पूरा करने के लिए उसके अंदर हमें अ की मात्रा लगानी पड़ती है। देखो सबसे पहले हमारा एक उदाहरण है भारतवर्ष। भारतवर्ष में कौन कौन से शब्द हैं? भ, भ के नीचे हलंत, क्योंकि वो आधा होता है, जमा आ की मात्रा, जमा र, र आधा है तो उसके नीचे हलंत, जमा अ की मात्रा, अ की मात्रा होती है बेटा, अ की मात्रा, जमा आधा त, त को आधा नहीं लिखेंगे, त के नीचे हलंत लिखेंगे, जमा अ, अ की मात्रा, ताकि हम पूरा लिख दें। फिर है जमा व के नीचे हलंत, जमा अ की मात्रा, जमा र आधे वाला, जमा, देखो भारतवर्ष में र आधा ही है, जमा श आधा और जमा अ। तो ये हमारे वर्ण विच्छेद हो गए। इसके अंदर आपको मैंने ये सोल्व करके दे दिए हैं। एक आप और देख लेते हैं, इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा ई, जमा आधा त, यानी कि त के नीचे हलंत, जमा ई, क्योंकि ई की मात्रा लगी है ना। फिर जमा ह, ह के नीचे हलंत, और आ, जमा स के नीचे हलंत, जमा अ। इसी तरह हमें ये सारे करने हैं, सम्राट, विस्तृत, ज्ञान, ये सारे करने हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे बोलने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं। जैसे दिन रात, सृजन संहार, पूर्व पश्चिम, प्रथम अंतिम, मान अपमान, विजय पराजय। नेक्स्ट है बेटा, जैसे प्र जमा कृति, प्रकृति, आ जमा भूषण, आभूषण। इसके अंदर प्र और आ एक क्या है, शब्दांश लगाए हुए हैं। ये जो शब्दांश, यानी कि शब्द, दो शब्दांश दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द जमा अंश, यानी कि किसी भी शब्द का छोटा सा टुकड़ा, तो शब्दांश कहलाता है। अगर कोई शब्दांश किसी भी शब्द के पहले आ जाए तो उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो बेटा, फर्स्ट है प्रदेश, प्र जमा देश, देश से पहले हमारा प्र आ गया। देश का अपना एक अर्थ है, ठीक है, देश शब्द का अपना एक अर्थ है। आप इसको इसके इस तरह से टुकड़े नहीं कर सकते, प्रद जमा एश या प्रे जमा दश, ऐसे नहीं कर सकते। देश अपने आप में एक पूरा वर्ड होना चाहिए। विज्ञान, वी जमा ज्ञान। अन्याय, अ जमा न्याय, सुगम्य, सु जमा गम्य, आजीवन, आ जमा जीवन, प्रबल, प्र जमा बल। नेक्स्ट है बेटा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखो, मनुष्य का मानव, आदमी, नभ का गगन, आकाश, दिन का वार, दिवस, सूरज का दिनकर, भास्कर, चांद का इंदु और हिमांशु। नेक्स्ट है बेटा संज्ञा शब्द, उनके भेद लिखने हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हमें देखना है क्वेश्चन। देखो तारे झिलमिला रहे हैं, इसमें शब्द क्या है? तारे, और ये संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। एक तारा ऐसे नहीं कहते ना, तारा झिलमिला रहा है, तारों का समूह ही होता है। हम भारत में रहते हैं, भारत, भारत एक विशेष जगह का नाम है, तो यहाँ पर आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनमें से गंगा सबसे पवित्र नदी पाई जाती है, तो गंगा क्या है? एक पवित्र नदी का नाम है, स्पेशल नेम, स्पेसिफिक क्या रहा है, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। वह, यह देश हमारा है, देश, देश जो शब्द है ना बेटा, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। यहाँ पर हालांकि स्पेसिफाई किया रखा किया हुआ है यह देश, पर देश को हम देखें तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। हम आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, प्यार शब्द जो है वो हमारा संज्ञा शब्द है।
तो जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा में लिखते हैं। तो प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे हम नाप तोल नहीं सकते। तो बेटा ये था अपना आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।